पीछे रही भाई पीछे ना आप कितना पीछे हो अरे भाई राइट राइट अरे दादा हो दस्ती अरे स्टील दादा या या अरे दादा ओ दादा दादा पार्टी दोन मिनट हो ना हमें घेऊन द्या अरे भाई डिजर ओ मैम लोग अरे साइड ने दादा ओ दादा जा जा तू बैठ जा सेंट्रल रूम मैम अरे फैजान नीचे उठ फैजान And it's a place for all of us to hang out at every day. So it's a really fun, exciting day for us. Yeah. Yeah. Which has been your favorite joint so far? Well, honestly, really honestly, our own places, because it really feels like home, and you know, it feels private somehow. So I really was quite sad. We got a lot of friends even that I know were like, oh God, it's our everyday hangout. So now I'm glad I'll be here all the time. I mean, yeah, this is my favorite place. Well, my son is now 2, so I finally have some time to breathe. I mean, when you're a new mom, it's really, there's a lot of work all the time. And so now that I have the time, I'll get back to it. Any of your favorite dishes from Cafe? Well, a lot of things are my favorite. I think anything that's vegan, because I'm vegan, so maybe like the couscous salad or something would be a favorite. What is the most specialty in this cafe? Well, I think the food is genuinely fantastic. I think that would keep any place loved and people would really keep going back. I think it's important for, if you're going for food, it should be really good. And then ambience is really homey. No one's telling someone to leave, ki jaldi nikal jao abhi, and throwing a bill in your face. I think the homey ambience and delicious food always just, you know, keeps people coming back. Any special friends from Bollywood you would like to invite? Well, everybody is welcome. And you know, a lot of people from the fraternity, from all industries, business and film, come here all the time, and it's good that people really enjoy the place, and it's at that standard where people who have so much exposure and are well traveled really really love to come. So everyone's most welcome. Sorry, please don't ask me that. Main foodie hu, main apna hi naam de deti hu. मुझे याद नहीं है बट आई थिंक आई एम डेफिनेटली अ फूडी. बोललो मी तुम्हाला पहिले ट्रॅफिक खरा तुम्ही ऐकलं का तुम्ही बोलला का ना बोला अरे भाई उल्टा में जितना भी है ना इतना उल्टा वीडियो लाइट वीडियो
दिनेश बाजू ना दिनेश दिनेश चलो कौन है भैया क्या क्या दिनो थैंक यू आज कौन लगा लास्ट में क्यों ढकल रहा इधर आज कौन लगा लास्ट साथ में एक लास्ट 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 एक साथ में साथ में दिनो साथ में साथ में इसकी बॉडी देखो अबे राइट में सर राइट में सर लेफ्ट में बीच में बीच में हां सर थैंक यू सब आगे आगे भाई मतलब चापड़ सब ऐसे ही पड़ा हुआ है मैम मैम सर यहाँ पे सर बोलना इकड़े सर यहाँ पे सर कुछ खाए अब वहाँ नहीं जा रहे तुम लोग वो पार्टी जाएंगे वो अभी जाएंगे ना अच्छा मैंने क्या किया अभी कुछ नहीं हेलमेट है मेरे पास नीचे पड़ा है ठीक है ऑटोग्राफ चाहिए ठीक है सवाल क्या है रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है खाना भी बहुत अच्छा है बहुत स्वाद है डिजर्ट्स कमाल है
और ये देखो मेरे फैंस है, ये मेरी माँ है। अच्छा दीनो, फिटनेस के लिए भी इन लोगों ने कुछ खाने का बंदोबस्त किया है, आप क्या लुक आउट करते हैं इनके रेस्टोरेंट में? किसने बंदोबस्त किया फिटनेस के लिए? आयशा एंड फरहान ने। अच्छा हेल्थ फूड के बारे में, तो ये अच्छी बात है यार, आजकल हेल्थ की बहुत ज़रूरत है, लोग मुझे लगता है इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो अगर ये हेल्थ फूड दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अंदर किससे बात की आपने? किससे बात की मैंने? बहुत सारे, खासतौर पर लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि बिहार में अल्कोहल बैन किया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी करने की बात कर रही है, तो आप किस तरह देखते हैं इसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। पूरी दुनिया आप देख लीजिए, कोई वैसे वहाँ बैन नहीं करते, ये फ्रीडम है, किसी को अगर कुछ भी करना है तो उनकी फ्रीडम की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बैन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं शराब पीता हूँ, मगर फिर भी बाकी जो मैं सोचता हूँ, खासकर मुंबई, एक जो ट्रेड सेंटर, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ये सब अगर बैन करोगे तो मुझे लगता है प्रॉब्लम होगा। थैंक यू। Good. The place is lovely. Basilico is a place that is, you know, one of the first few brands that was set up locally, and a place that I've always visited. For me, it's like my own, because Farhan's family, and you know, very a great concept and a good mix of everything today. I really love the outdoor also. So I think a feather in his cap again. बेटा हेल्दी दिखता नहीं हूँ मैं, बहुत हेल्दी दिखते हैं यार। ये सवाल नहीं, हेल्दी फूड ऑफकोर्स सभी जगह हेल्दी फूड होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ की खूबी ये है कि हेल्थ फूड के साथ मैं कहूँगा फिट फूड है, क्योंकि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और खाने का टेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाना और टेस्टी ना हो तो क्या मज़ा। जैसे कि बिहार में शराब का बैन हो गया है, तो महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि बैन करने वाले हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे महाराष्ट्र में या मुंबई में? आई थिंक कहीं भी अल्कोहल बैन होना नहीं चाहिए, यू नो, कहीं ना कहीं बैन होने से मेरे हिसाब से जो सेकंड यू नो क्या कहते हैं उसे, ब्लैक मार्केट जो है वो बढ़ता जाता है। आप पाबंदी ले आओ, आप स्ट्रिक्ट होइए उसमें, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर। लेकिन हर एक स्टेट का अपना सोच है, और अगर उनको लगता है कि बैन से बहुत फर्क पड़ता है तो बहुत बढ़िया। इससे क्या अगर बैन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र या मुंबई में जो इकोनॉमिक, जब बैन होगा तब बात करेंगे ना। आप ऐसे ही आप अपने आप से बोलते हैं कि बैन होगा बोल के, आपके बोलने से बैन थोड़ी होगा। कहा जा रहा है सर? नहीं, कहा जाना है, जब होगा उसके बाद आ जाओ बेटा मेरे पास, तब जवाब दे दूंगा। आप लुक अभी क्या है, बुढ़ापे में कुछ ना कुछ नयापन लाना पड़ता है, तो इसीलिए ले आया हूँ। थैंक यू सो मच।
just tell me from where you get the idea to start such a magnificent cafe? फरहान का पहले से ही ब्रांड है, इट्स ऑलवेज बिन देयर, बसिलिको कैफे बसिलिको, एंड इट्स ऑब्वियसली दिस इज़ अ मर्ज, इट्स मोर इको फ्रेंडली, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल ग्रीन इको वॉल, एंड वी हैव ऑर्गेनिक फूड, देयर इज़ वीगन फूड बिकॉज आई हैव बीन अ वीगन फॉर द पास्ट सिक्स इयर्स, एज वेल एज ऑब्वियसली सिग्नेचर डिशेज फ्रॉम द पास्ट. सो Farhan has always been doing this, and I'm just glad to be able to be part of this journey, and you know, in whatever way I can. So it's really really great. This one is long awaited, and it's looking fabulous. So we're very excited. You must have traveled all the world, I mean many countries. So how do you compare when you compare the nightlife of Mumbai and other parts? Definitely being well traveled really inspires you, even when you open a place and you know, new restaurant, and it really, even my husband and I, we take inspiration and ideas and all our memories that we've had to start our place. Definitely there are a lot of new places popping up all over the city, and that's a really good thing. You know, I think having that buzz and places for people to go is very important. So I think, yeah, it's great. How was completing all Bollywood celebrity after a long time? It was very, very nice. I mean, it was really warm and lovely, and we really appreciate everyone that came and showed their love and excitement, and you know, was present here for us and for the place today. So we really are thankful. Had you any plan to come up again on screen? Yes, definitely. Now my son is 2, so maybe now I have the time. Thank you. All right. Ma'am, can we have one idea?